Namaste, hello everyone. If you're new to this channel, hi, my name is Trishla and welcome back to my channel God's Own Girl. Please take a moment and subscribe to my channel below. So, आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से एक वेडिंग लुक. आप लोगों को मैं 5 सेकंड देती हूँ, आप जल्दी से जाके गेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए इस वीडियो को पॉज करके कि आज मैं कौन सा ब्राइडल लुक करने वाली हूँ. ये वाला लुक करने की मेरी 1-2 साल से बहुत इच्छा थी, बट मुझे मतलब मेरे पास इतना कुछ जुगाड़ नहीं बैठ रहा था ड्रेस का. सबसे मेन तो वो जो पर्टिकुलर जो ड्रेस होती है, जो साड़ी होती है उनकी, वो नहीं मिल रही थी मुझे, और उतने पैसे भी नहीं थे कि मैं खुद से खरीद लूँ. सो अब मैंने वो साड़ी खुद से खरीद ली है एंड मैं वो लुक करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. सो सबसे पहले पी लेते हैं पानी. प्लीज़ गाइस, गर्मी बहुत है, प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेट रखो. नारियल पानी पियो, लस्सी पियो, छाछ पियो, कुछ भी पियो, बट अपने आप को हाइड्रेट रखो और पानी की बॉटल हमेशा साथ में रखो. मैं ये बॉटल इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं नई लेके आई हूँ एंड ये मुझे बहुत प्यारी लगी. सो एंड ये गिफ्टेड है, आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरा बर्थडे ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये बॉटल गिफ्टेड है. So without any further ado, let's get started the video. 1, 2, 3, fuck it. My darling, I love you, 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 I love you. सबसे पहले मैं इस लुक को स्टार्ट करूंगी विथ हेयर्स. मेरे बाल बहुत जंगली वाले लग रहे हैं, बट सबसे पहले मैं बालों को करूंगी इस बार. हर बार मैं मेकअप पहले करती हूँ, उसके बाद मैं हेयर स्टाइल बनाती हूँ, बट इस हेयर स्टाइल में बहुत टाइम लगता है. सो सबसे पहले मैं हेयर स्टाइल करूंगी. सबसे पहले मैं एलोवेरा जेल अप्लाई करूंगी एंड मैं कोई भी स्प्रे वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये लुक ले जाके कहीं जाना नहीं है, बस इस वीडियो के लिए लुक कर रही हूँ. तो मैं अपने हेयर्स पे स्प्रे लगा के क्यों उनको ख़राब करूँ, मुझे थोड़े टाइम के लिए मेरे बाल सेट चाहिए, तो ये एलोवेरा जेल अच्छे से काम करेगा. सो सबसे पहले कॉम्ब लेके मुझे सिर्फ इतना पार्टीशन करना है. अब मैंने जो पीछे रबर बैंड लगाया था उनको खोल लूँगी एंड उसके बाद में जितने भी बाल बचे हैं ना उनको मैं अच्छे से, आप लोग चाहे मेरा तो बैक साइड इतना दिखेगा नहीं क्योंकि मैं चुन्नी भी लगाऊंगी सिर पे, सो मैं इसको हल्का सा एक बन बना के छोड़ दूँगी. सो अभी मेरा हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन हो चुका है, सो लेट्स स्टार्ट द मेकअप. सो मैंने मेरी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया था. अब मैं यूज़ करूँगी नाइसिनमाइड सीरम प्लम का एंड ये मेरा ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया है एंड ये बहुत अच्छा सीरम है. यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस आउट. अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, स्किन इरिटेशन है, तो आप लोग ये नाइसिनमाइड वाला सीरम यूज़ कर सकते हो. अगर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो, Trishla10. सो बंगाली ब्राइड्स का सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है उनके मेकअप की, कि उनकी जो आईज़ होती है ना उस पर बहुत अच्छे से काम किया हुआ होता है. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी आईज़ से. तो सबसे पहले मैं 2 फाउंडेशन मिक्स किए हैं मैंने यहाँ पर मिक्स किया है फेसेस कैनेडा का नेचुरल 02 एंड मेबलिन न्यूयॉर्क का फिट मी इन दी शेड 128. सो ये दोनों मिक्स करके एंड सबसे पहले मैं आईज़ को थोड़ा सा बेस दूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूंगी क्योंकि मैं कंसीलर लगाऊंगी, बट उससे कवरेज देने से पहले मैं इससे थोड़ा सा इसको सेट करना चाहूंगी. सो अब मैं यूज़ करूंगी ये छोटा मिनी ब्यूटी ब्लेंडर एंड इससे अच्छे से मैं आईज़ सेट कर लूंगी. यू कैन सी मैंने आईज़ पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है. अब बारी है कंसीलर की. सो फॉर कंसीलर मैं हमेशा से मेरा मतलब मैं रीपर्चेस करती रहती हूँ इसी कंसीलर को. सो ये है स्विस ब्यूटी का इन दी शेड सेंट सेबल एंड ये बहुत अच्छा कंसीलर है. यू कैन सी ये भी थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने वाला है. सो अब मैं इसको अप्लाई करूँगी. सबसे पहले मुझे अपनी आईब्रोज को हाईलाइट करना है, सो मैं यहाँ अप्लाई करूँगी. सो अब मैं लूँगी ये फ्लैट ब्रश और इसकी हेल्प से मैं अपना जो कंसीलर है उसको ब्लेंड करूँगी. आईज
इसके आसपास तो काम कर लिया है, अब मैं लूंगी कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर, आप कुछ भी ले सकते हो, और उसको इस फ्लफी ब्रश पे लेकर मैं अपनी आईज को सेट कर दूंगी, ताकि मैं अब इसके बाद में कोई भी मेकअप अप्लाई करूँ तो वो क्रीज ना आ जाए या फिर लाइंस ना बन जाए उस पर या फिर क्रैक ना हो जाए। मैं कॉम्पैक्ट भी फेसेस कनाडा का नेचुरल 02 ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये शेड मेरे स्किन टोन के लिए परफेक्ट है। सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा फेवरेट पैलेट फ्रॉम ब्यूटी ग्लेज, और उसमें से मैं यूज़ करूँगी ये वाला शेड। इसको मैं लगाऊंगी अपनी आउटर कॉर्नर पे, कट क्रीज इफेक्ट देने के लिए क्रीज लाइन पे। अब मैं इसे थोड़ा सा डार्कर शेड लूंगी, एंड आउटर एरिया पे अप्लाई करूंगी, देन अंदर की साइड जाऊंगी। सो यू कैन सी द ओम्ब्रे इफेक्ट। सो ये मैंने थोड़ा सा लाउड किया है, वो बाद में आपको पता चल जाएगा किस लिए किया है। एंड यहाँ पर मैं इसको दूंगी वी शेप, बाद में भी आप कंसीलर से सेट कर सकते हो, बट मैंने अभी इसको ऐसे ही दिया है। सो अब मैं फिर से कंसीलर अप्लाई करूँगी। कंसीलर मैं यहाँ से ब्रश की हेल्प से करूँगी, कंसीलर ब्रश की हेल्प से। उसके बाद में मैं ये फ्लैट टाइनी ब्रश लेके इसकी हेल्प से इसको अच्छे से, सो मैंने इस आई पे भी ऐसा ही कर दिया। अब मैं वापस से कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको सेट कर लूँगी। बड़े ध्यान से आपको कॉम्पैक्ट लगाना है, ताकि जो आपने पहले जो मेकअप किया है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। सो अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। तो अब मैं यूज़ करूँगी ये ब्यूटी ग्लेज का कलर बोर्ड। सो उसके लिए मैं लूँगी न्यू ब्रश, एंड ये जो ऑरेंज शेड है, ऑरेंज और ये वाला गोल्डन दोनों मिक्स करके लगाऊंगी। सो एज यू कैन सी, ये जो ऑरेंज शेड आपको दिख रहा है, मेरे पास पिगमेंट्स नहीं है, जो शिमरी पिगमेंट्स आते वो नहीं है। सो मैं ये शिमर शेड से ही काम चलाऊंगी। येलो गोल्डन जो होता है वो कलर शेड अप्लाई करूंगी। एज यू कैन सी, बहुत अच्छा सा ओम्ब्रे सा लुक आ रहा है। सो अब मैं पेंसिल ब्रश की हेल्प से मेरे इनर कॉर्नर पे भी ऊपर वाला डार्कर शेड ही अप्लाई कर लूंगी। अब इस फ्लफी ब्रश की हेल्प से जो भी शेड आपके गिरा है फेस पे आई शेडो का, सो उनको हटा लेंगे। आईलाइनर अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम लगाएंगे आईलैशेस। आई गेस मुझे ये वाली यूज़ करनी चाहिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। हमेशा आईलैशेस लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि आप जो इनर कॉर्नर है और आउटर कॉर्नर है उस पर ज़्यादा अप्लाई करो, ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। एंड उसको पूरा ड्राई नहीं होने देना है, मैं हमेशा इसको हाफ ड्राई में ही लगा लेती हूँ, ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाती है। मेरी तो यही टिप है कि आप उसको हाफ ड्राई होने पे ही लगा लें। फाइनली 15 मिनट की मेहनत के बाद में मेरी आईलैशेस लग गई। आई डोंट नो क्या हो रहा है आज, मेरे से आईलैशेस लग ही नहीं रही थी, बट बड़ी मुश्किल से लग गई। सो अब हम अप्लाई करेंगे लाइनर। सो मैं यूज़ करती हूँ लैक्मे का इंस्टा लाइनर। सो मेरी आईज तो रेडी हो चुकी है, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस मेकअप लुक के लिए मैंने बहुत मेहनत करी। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना। सो अब हम वर्क करेंगे आईब्रोज पे, क्योंकि आईब्रोज भी बहुत डिफाइन होती है। आईब्रो के लिए मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का आईब्रो पैलेट। तो मेरी आईज कंप्लीट हो चुकी है, अब हम मूव ऑन करेंगे फेस पे। तो जल्दी से मैं फाउंडेशन अप्लाई कर लेती हूँ। फाउंडेशन वगैरह अप्लाई कर लिया है, अब मैं अप्लाई करूँगी ब्लश, वो भी जस्ट हब का, बिल्कुल हल्का सा अप्लाई करूँगी। सो फॉर अ हाइलाइटर आई एम गोइंग टू यूज मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर। मैंगो
डेवोली ब्राइड्स का सबसे मेन जो हाइलाइटेड एरिया होता है वो उनकी आईज होती है, सो मैं अपनी आईब्रो बोन जो होती है ना उसको भी हाईलाइट करूँगी ताकि वो अच्छे से पूरा आई मेकअप दिखे एंड हाईलाइट होगा। हाईलाइटर के बाद में बारी आती है लिपस्टिक की, सो मैं लिपस्टिक में सोची हूँ कुछ चटक रेड कलर का ही लगाऊँ, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। सो फॉर द लिपस्टिक आई एम गोइंग टू यूज दिस माई ग्लैम की लिपस्टिक इन द शेड OTP। मैं इस रेड लिपस्टिक में थोड़ा सा ही पर्पल शेड हमेशा मिक्स करके लगाती हूँ, ये है शेड LM35 सब मैरलिंग। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको मिक्स कर लिया है। सो ये जो मेकअप लुक है यहाँ तक आप कोई भी ब्राइड अगर चाहती है तो वो अपने ऊपर क्रिएट कर सकती है। इससे आगे का जो एक प्रोसेस होता है जिसमें वो लोग यहाँ पर डिज़ाइन बनाते हैं पूरी आईब्रो के ऊपर, सो वो स्टेप करने के लिए मैं अब अपना व्हाइट आई लाइनर यूज करूंगी। एंड ये व्हाइट आई लाइनर मैंने कफ्स एंड लैशेज से लिया था 2 या 3 साल पहले एंड ये अभी तक वर्क करता है गाइस। बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसका एंड बहुत अच्छा इसका पिगमेंटेशन है। यू कैन डेफिनेटली गो एंड परचेज दिस। स्टार्ट करते हैं डिजाइन बनाना। सबसे पहले मैं लगाऊंगी रेड बिंदी ताकि उसके आस पास ही मैं ये डिजाइन बनाऊँ। बिल्कुल वो लोग आईब्रोज के बीच में लगाते हैं। मैंने प्यारा सा डिज़ाइन बना लिया है। सो गाइज मैंने एक साइड की डिज़ाइन तो कंप्लीट कर दी है, मैंने यहाँ पर पता नहीं क्या कर दिया है बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। सो गाइज आई एम डन विद दिस डिज़ाइन। मैंने पता नहीं जो भी मन में आया वो बनाया है। सो आप लोग इसका क्लोजअप लुक देख लो एक बार। सो मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अब बारी है ज्वेलरी पहनने की। सो जल्दी से ज्वेलरी पहनते हैं एंड मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ मेरा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है ये। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना अच्छा लगा आपको। मुझे इस मेकअप लुक को क्रिएट करने में 3 घंटे लगे हैं क्योंकि ये डिज़ाइन मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए था इसलिए मुझे 3 घंटे लगे हैं। भी मतलब ड्रेसेस वगैरह साड़ी वगैरह पहननी है, रील्स बनानी है, सब कुछ करना है, तो मुझे मतलब के 6 से 7 घंटे इस लुक को मैंने दिए हैं। तो प्लीज़ 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 जाके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, वो हर बंगाली ब्राइड की खासियत होती है, वो होता है उनका ये वाइट कलर का जो मुकुट होता है। इसको मैंने DIY किया है, मैंने इसको पेंट किया है और इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को भी लगे कि मैंने इस पे बहुत मेहनत की है। सो मैं अब इसको लगाने वाली हूँ। सो ये स्टिक हो चुका है फाइनली साड़ी पहनने की, उसके बाद में मैं आपको फाइनल लुक में मिलती हूँ। गाइज दैट्स इट फॉर द टूडेज वीडियो। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। इस लुक पर मैंने बहुत मेहनत की है, 6 से 7 घंटे लग गए इसको शूट करने में। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना ज़रूर कि ये लुक आपको कैसा लगा, लग रही हो ना बंगाली ब्राइड। और भी बहुत सारे ब्राइडल लुक्स आने वाले हैं, मुझे जितना आया है मैंने जितना सीखा है देख देख के वो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कहीं से टीचिंग नहीं करी है। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि अब आप कौन सा ब्राइडल लुक देखना चाहते हो। सो ये था मेरा फाइनल लुक। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नेक्स्ट ब्राइडल लुक आप कौन सा देखना चाहते हो। सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज गॉड्स ऑन गर्ल। जय श्री राम, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, शो योर लव, बाय।